आज वो इतने इतने बच्चों में वो प्योरिटी नहीं है जो 20 साल इतने बच्चों में होती थी. यू अग्री विद दैट और नो? यस, क्योंकि हम उनको बहुत जल्दी बड़ा बना रहे हैं, हम उनको बच्चा रहने ही नहीं दे रहे हैं. हम बड़ों जैसे उनको कपड़े दे रहे हैं, हम बड़ों जैसे उनका मेकअप करा रहे हैं, हम बड़ों जैसे उनको डांस करवा रहे हैं, बड़ों जैसे एवरीथिंग वी आर मेकिंग देम अडल्ट वेरी सून. Somebody told me yesterday, young adult. मैं कहूँ what young adult? Young is young ना, adult is adult. क्यों बिना बात के नए नए शब्द बनाते रहते हो? क्यों बनाते रहते हो? बच्चे को बच्चा रहने दो, क्यों adult बनाना है उसको? क्यों बोलना है you are a young adult? बोलो you are a बच्चा. बच्चा रहे, वो बच्चे वाला बचपन enjoy तो करे अपना. आपने इतनी जल्दी बड़ा कर दिया, जैसे कि आप उससे ज्यादा enjoy कर रहे हो, तो जल्दी से उसको बड़ा करके अपने फेज में ले आएंगे. फाउंडेशन सेट होने दीजिए और उसके लिए अपनी मर्यादा की लाइन ड्रॉ कीजिए. एंड डजंट मैटर कि अगर उस मर्यादा के सर्कल में यू आर दी ओनली वन, अगर आप अकेले भी उस मर्यादा के सर्कल में खड़े होंगे, आपको पता है बहुत सारे लोग जस्ट वेट कर रहे हैं उस मर्यादा के सर्कल में आने के लिए. मेजोरिटी पीपल वॉन्ट टू बी ऑन दैट साइड, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां कोई है नहीं उस साइड पर, और उनको अकेले खड़े होने में डर लगता है. जैसे एक दो लोग उस साइड खड़े हो गए ना, 50 तो अभी आ जाएंगे दोपहर तक. बिकॉज इनेटली हर एक को पता है कि राइट क्या है, हेल्दी क्या है, क्या खाना राइट है, क्या पीना राइट है, हर एक को पता है. लेकिन सब लोग तो मेजॉरिटी का संस्कार वो होता है कि सब जो करेंगे हम करेंगे. सिर्फ कुछ के पास ये संस्कार होता है कि कोई ना करे तो भी हम करेंगे. दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी. तो क्या हमारे में वो लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है? है, है या नहीं है? तो फिर करें. और जैसे ही आप वो करेंगे, बहुत लोग वो करना शुरू कर देंगे. एंड जब बहुत लोग वो करेंगे और यू वर द फर्स्ट वन टू डू इट, आपका कर्म दूसरों के कर्म को बदलेगा, दूसरों का कर्म उनके बच्चों के भाग्य को बदलेगा. तो ये सारी दुआएं कहां जाएंगे? आपके खाते में जाएंगे. सेवा हो गई ना? सेवा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है. जस्ट बी योर राइट, जस्ट बी योर राइट. आजकल कितने सारे पेरेंट्स के पास ये डिलेमा है, भाई हमने तो सारी उम्र हम वेजिटेरियन रहे. कई फैमिलीज कहती है हमने तो सारी उम्र प्याज लहसुन भी नहीं खाया, भाई हमारे घर में आया नहीं. अब हमारे बच्चे, हमें उनको मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो सोच रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, हमें उनको बोलना चाहिए कि हम वेजिटेरियन हैं और आपको भी वेजिटेरियन रहना है, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हमें उनको बोलना चाहिए हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं आता तो आपको भी नहीं खाना चाहिए? यू वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्याज लहसुन राइट है या रॉन्ग है, नथिंग. वी आर जस्ट सेइंग जो हमारी घर की मर्यादा है, और हर घर की मर्यादा अलग अलग होगी, लेकिन जो हमारी घर की मर्यादा है, क्या हमें अपने बच्चों को बोलना चाहिए उस मर्यादा की लिस्ट के अंदर रहने के लिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हाँ जी, नहीं दे सकते इंस्ट्रक्शन? अगर उनको इन्फ्लुएंस ना समझ में आए तो इंस्ट्रक्शन दे दे तो क्या प्रॉब्लम है? हमें तो इंस्ट्रक्शन ही मिली थी, इन्फ्लुएंस तक की तो किसने कुछ किया नहीं. मिली थी इंस्ट्रक्शन या नहीं मिली थी? मिली थी. फायदा हुआ या नहीं हुआ? फायदा हुआ. उस टाइम अच्छी नहीं लगी थी इंस्ट्रक्शन वो हमको, उनको भी नहीं अच्छी लगेगी. परसों मुझे किसी ने कहा, कहते हम पूजा करते हैं, मेरे बच्चे नहीं बैठने के लिए रेडी साथ में. मैं कहा बोलो बैठने के लिए. कहते बोलो कैसे, उनकी चॉइस है. मैंने कहा किसने कहा उनकी चॉइस है, आपको चॉइस मिली थी? ये जो एक नया हमने शब्द ले लिया, दे हैव अ चॉइस. एक बच्चे और हम में यही फर्क है कि उनको नहीं पता है कि राइट और रॉन्ग क्या होता है, और हमने उनको इतनी एज से बोलना शुरू कर दिया योर चॉइस, योर चॉइस, योर चॉइस. तो ऐसा बोल दिया तो जब वो 15 साल के बोल गए, वो हमें नहीं बैठना पूजा में, माई चॉइस. और अगर आज वो पूजा में नहीं बैठेंगे, अगर आज वो अपने घर में वो दिया नहीं, जो भी घर में आप करते हो, तो उनके बच्चों को तो चॉइस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा उनकी फैमिली के अंदर. क्योंकि
क्योंकि उनके पास तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. तो घर में वो जो मंदिर वाला रूम है वो जाएगा और कोई और रूम आएगा, आप देखना कौन सा रूम आएगा वो. नहीं, ये ताली बजाने जैसी बिल्कुल बात नहीं है आज. सो डोंट गिव देम चॉइसेस. गिव देम चॉइसेस वेयर देयर आर चॉइसेस. सर्टन थिंग्स जस्ट हैव टू बी डन बिकॉज उनको नहीं पता है कि उसमें बेनिफिट क्या है. 20 साल के बाद हम उनको मुड़ के कहेंगे, अगर आप रोज सुबह थोड़ा मेडिटेशन करते, पूजा करते, योगा करते, आज आपको ये नहीं होता, तो वो आपको मुड़ के कहेंगे, आपने क्यों नहीं करवाया मुझसे उस टाइम. तो आप उस टाइम प्यार से बोलेंगे, मैंने तो आपको बोला था, आपने नहीं माना. तो पता है क्या बोलेंगे, यू शुड हैव बीन स्ट्रिक्ट विद मी एंड गेट इट डन. तब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ गिल्ट में रहेंगे क्योंकि अंडू तो कर नहीं सकेंगे उस बात को. इट इज नॉट अबाउट पूजा करें या नहीं करें, इट्स अबाउट अगर मेरे मम्मी पापा ने कहा है ये करो तो करो. इसलिए करो ताकि जीवन में कब कोई और मुझे कुछ कहेगा तो मेरे पास करने की शक्ति होनी चाहिए. आई कैन नॉट कीप सेइंग इट्स नॉट माय चॉइस, क्योंकि जीवन चॉइसेस नहीं देता है और उनके पास वो ताकत ही नहीं होगी कि जो मेरी चॉइस नहीं है उसके साथ मैं कैसे एडजस्ट करूं, क्योंकि हमने बोला जस्ट लिव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. मतलब डर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि हम कैसे बोलें कि आप करो. जैसे उन्होंने हमें बोला था हम इनको बोलेंगे, अब इतनी कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर. ये एक ही जनरेशन है जहां ये शिफ्ट हो रहा है. अभी हमारे पास पावर है, हम इसको चेंज कर सकते हैं. बाकी जिस दिन आप ग्रैंड पेरेंट्स बन गए तो आपको कल्चरल शॉक हो जाएगा आपके घर में रहते हुए. फिर यस ऑफ कोर्स इट विल बी अ कल्चरल शॉक, क्योंकि फिर भारत की संस्कृति तो निकल ही गई होगी उस घर से तब तक, क्योंकि आप इनको चॉइस दे रहे हैं, फिर ये भी तो आगे उनको चॉइस देंगे ना. और तब तक तो चॉइसेस पता नहीं कहां चली गई होंगी सारी. घर को वापस स्वर्ग बनाना है, नरक की तरफ न जाने दो उसको. उस संस्कृति और संस्कार में हमारे लिए फायदा था, फायदा था. वो बच्चे कहेंगे मुझे रीजन नहीं पता क्यों पूजा करनी है, मैं क्यों करूं. तो उनको बोलो बिना कुछ रीजन के भी करना होता है, बैठ जाओ 5 मिनट इधर. हमें ऐसे ही बिठाया जाता था, हमें सब्जेक्ट्स ऐसे ही दिए जाते थे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. आज वो बच्चे बोलते नहीं, विदेश में ऐसा सिस्टम है जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो ही करो, जो आपको नहीं अच्छा लगे वो छोड़ दो, वो बेटर है. कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है? अगर आप इस एज से इस एज तक उस बच्चे को बोलेंगे जो आपको चूज करना है वो खाओ, जो आपको चूज करना है वो पहनो, जब आपको सोना है आप सो, जब आपको उठना है आप उठो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप करो, फिर उसके बाद आपको स्पाउस भी ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, जो भी यही कहेगा आपको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे. लेकिन वो स्पाउस भी इधर से ही निकलेगा, इसी ग्रुप के अंदर से, जिसको भी इसी. That is why simple things are getting complicated. Let's go back. Let's take the best from here and let's take the best from there and then do parenting. इसका मतलब ये नहीं हम old fashioned हो रहे हैं, इसका मतलब हम wise हैं. हम wise हैं कि यहां से किससे शक्ति बढ़ेगी वो भी ले लो, वहां से किससे शक्ति बढ़ेगी वो भी ले लो, और दोनों चीजें लेकर अपने बच्चों को बहुत शक्तिशाली बना दो. क्योंकि आने वाले समय में इफ देयर इज वन थिंग विच विल बी मोस्ट नीडेड, एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो होगी मन की शक्ति, क्योंकि उसको बहुत फास्ट गति से खोया जा रहा है. तो जिस बच्चे के पास आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मन की शक्ति होगी ना, दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड एन अचीवर. दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड एन अचीवर, क्योंकि वो EQ हमारी क्या होती जा रही है. तो आज सिर्फ ये एक ही थॉट चेंज कर लेते हैं, इस एक थॉट में बहुत सारी थॉट्स आ जाएंगी. और वो एक थॉट ये है कि हम अपने जीवन को किसकी मर्यादाओं पर जिएंगे, अपनी, अपनी, अपने परिवार, अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स. अपने बच्चों को चॉइसेस दो, लेकिन कुछ चीजों में चॉइसेस दो और कुछ चीजों में बिल्कुल चॉइस नहीं दो. वो रोएंगे, रोने दो. वो झगड़ा करेंगे, झगड़ा करने दो. हम भी रोए थे, रोए थे या नहीं रोए थे, नाराज हुए थे या नहीं हुए थे. यस,
लेकिन उतना ही तब रोए थे उतना ही आज रो रहे हैं कभी कोई बात आती है। लेकिन अगर वो आज नहीं रोएंगे, अगर वो आज नहीं नाराज होंगे, तो वो आज से 10 साल बाद बहुत ज्यादा रोएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि व्हेन लाइफ थ्रोस समथिंग एट मी व्हिच इज नॉट माय वे, हाउ एम आई सपोज टू हैंडल इट। क्यों सुसाइड रेट बढ़ रहा है, क्यों डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, हमने पॉज करके रुक करके चेक क्यों नहीं किया? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसे ही मेरे जीवन में कुछ आता है जो हायर प्रेशर है, और मेरा वो प्रेशर को फेस करने की ताकत है नहीं, तो आई डोंट वांट टू हैंडल इट, सिंपल है। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पे कपल आया, उनका बच्चा एक पार्टी से आया वापस, 15-16 साल ऐसा, थोड़ा लेट हो गया होगा आने में और थोड़ा कोई सब्सटेंस भी लिया होगा। तो पेरेंट्स ने ऐसे ही बोला, लेट क्यों आए, मतलब नॉर्मल लेट क्यों आए या ये जो भी, अब कितना ही तो क्या जोर के बोल दिया होगा। वो बच्चा टेरेस पे गया, जस्ट उतना। अब आप उन पेरेंट्स की मन की स्थिति को देखो, लॉस ऑफ चाइल्ड से बड़ा पेन कोई है नहीं, लेकिन लॉस ऑफ चाइल्ड के साथ साथ इतना गिल्ट में चले गए हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि तुमने ऐसे नहीं बोला होता ना तो ये नहीं होता, तुमने ऐसे नहीं बोला होता तो ये नहीं होता। क्योंकि जब आप 15-16 साल तक की एज तक ज्यादा नोज नहीं बोलते और फिर सडनली नो बोल देते हैं स्ट्रांगली, तो सामने वाले को पता ही नहीं होता क्या हो गया ये मेरे साथ। सो दैट नोज हैव टू बी स्टार्टेड लिटिल अर्ली इन लिटिल 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 थिंग्स। आपके पास है बट डोंट गिव, डोंट गिव। पावर ऑफ मनी को ठीक से यूज करना है, मिस यूज कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं है तो नहीं देते, लेकिन है तो भी नहीं दो, ताकि उसने अपनी लाइफ में क्या सुन लिया, नो नो, ताकि कल अगर उसको नो मिलेगा तो ही बी यूज टू अ नो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, जाएगा रोएगा, थोड़ी देर के बाद आके खाना खाएगा आपके साथ नेचुरली। लेकिन नो नहीं सुनेंगे, हर चीज अपने आप से करेंगे, हर चीज पावर ऑफ मनी से करेंगे, और फिर सडनली आप नहीं नो बोलेंगे तो कोई और नो बोल देगा। अच्छा, जैसे ही कुछ ऐसा होता है विच इज अ वेरी बिग थिंग, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे पेरेंट्स जो थोड़ा सा नो बोल रहे थे वो नो बोलना बंद कर देते हैं, कहते उस दिन देखा ना क्या हुआ, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए आजकल बच्चों को, ये नया ट्रेंड, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। ऐसा नहीं होता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या कर लेंगे, ये वरदान और दुआ क्यों दे रहे हैं उनको बार बार, पता नहीं क्या कर लेंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे। ये बार बार हम संकल्प करेंगे तो सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि हर संकल्प की होती है, किसी भी संकल्प को आप बार बार दोहरा लो उसकी सिद्धि हो जाएगी। सो डोंट क्रिएट दिस नेगेटिव एनर्जी फॉर योर चिल्ड्रेन, बोलो ये हमारे घर की परवरिश है, ये स्ट्रांग है, इनको कुछ नहीं हो सकता है, इनका सुरक्षा कवच इनके साथ चलता है, इनको कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे बोलना चाहिए। या बोले कि पता नहीं कुछ कर लिया तो, पता नहीं कुछ लेना शुरू कर दिया तो, पता नहीं भाग गया तो, पता नहीं कुछ कुछ सोचते रहते, और वो सब इसलिए सोचते हैं क्योंकि सारा दिन वही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना सारा दिन। पहले भी बहुत कुछ होता था लेकिन वो हमारे तक पहुंचता नहीं था, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज नहीं थी, सारा दिन ये नहीं था, तो हमें नहीं पता चलता था उस देश में उस बच्चे ने ऐसा किया, हमें नहीं पता चलता था। आज कहीं भी कोई कुछ कर ले तो हमें पता चलता है, और जैसे ही वो पता चलता है करोड़ों माइंड थॉट्स क्रिएट करते हैं, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एंड वेरी सून उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्टेंट, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्टेंट। तो ड्रॉ करेंगे मर्यादा की लकीर, एक मिनट साइलेंस में बैठो, अभी ड्रॉ करो अपनी 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 है, दिस इज पर्सनल, एवरीथिंग कंप्लीटली योर चॉइस। अपनी मर्यादा की लकीर ड्रॉ करो, वो लकीर जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपको पीयर प्रेशर का विक्टिम नहीं बनना पड़ेगा, जिससे जो चीजें आपको पता है आपके घर के लिए आपके परिवार के लिए सही है वो आप करेंगे, भले राइट नाउ नोबडी इज डूइंग इट। कोई भी चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, क्योंकि अभी भी
सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है. वेरी इजी टू चेंज राइट नाउ. सिलेक्ट करो. ये नहीं सोचो कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे करेंगे. नो वेस्ट थॉट्स. सिर्फ सिलेक्ट करो और एक संकल्प कर लो. दैट इज पावर ऑफ वन थॉट. एक संकल्प. ये संकल्प मेरे परिवार के लिए हेल्दी है, मन के लिए, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए हेल्दी है, करियर के लिए हेल्दी है. आज से मेक दैट संकल्प इनटू एन अफर्मेशन नाउ. डोंट हैव टू से एनीथिंग टू देम. उनको कुछ नहीं बोलना है यहां से जाने के बाद. बस संकल्प करो. आज से हम सब, विच मीन्स आर फैमिली, मेरा परिवार, फिर उनका नाम लो बच्चों का. आज से हम सब इस संस्कार के साथ जीवन जीते हैं. पक्का कर दो उसको. कोई डाउट नहीं. करेंगे नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, नथिंग. नो वेस्ट थॉट्स. सिर्फ अ ब्लेसिंग. आज से हम सब नाम लो सबके. इस संस्कार के आधार पर जीवन जीते हैं. ये मर्यादा हमारी सुरक्षा है. ये मर्यादा उनकी शक्ति है. ये मर्यादा उनके भाग्य को श्रेष्ठ बनाएगी. ये मर्यादा हमारे घर में सब धारण कर चुके हैं. एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड इट. संकल्प. Everyone has accepted it and full stop to the mind. वापिस आ जाओ. कोई वेस्ट थॉट्स नहीं. घर जाके कोई वेस्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं. कोई डिस्कशन नहीं. थोड़े दिन के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है. वो संकल्प हमें अपने घर में रेडिएट करना है. यहां से कम्युनिकेशन नहीं करना है. कहां से कम्युनिकेशन करना है? यहां से. यूज द पावर ऑफ द माइंड टू कम्युनिकेट विद एवरीवन, स्पेशली विद योर चिल्ड्रन. स्पेशली विद योर चिल्ड्रन. आपको याद है पहले, अभी भी करते होंगे आप, जब बच्चा सो रहा होता है तो हम उसके सिराने बैठ जाते हैं और क्या करते रहते हैं? ये जो है ना, ये कि हम उनके सिराने बैठकर उनके सर पर ऐसे ऐसे करते हुए कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते थे. वो टाइम होता है जब आप जो बोल रहे हैं वो उनके सबकॉन्शियस में चला जाएगा. क्यों? दे आर गोइंग टूवर्ड्स स्लीप. ऐसी चीजों को यूज करना है. आप अपने बच्चों को जो कहना चाहते हो आप यहां से नहीं कहो अभी, लेकिन आप यहां से कहना शुरू कर दो. और यहां से क्या कहना शुरू करेंगे? आपने ये बात को स्वीकार कर लिया है. बोलो. इसका ऑपोजिट हम क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे पता है नहीं मानेंगे. अच्छा, वो मानेंगे तो मानेंगे, फिर घर में वो नहीं मानेंगे, फिर घर में झगड़ा. इतनी सारी 100 वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है. ओनली वन थॉट. ये आपके लिए अच्छा है. ये आपकी शक्ति है. एंड ये आपने स्वीकार कर लिया. इजी. ये इजी है करना. हाँ, संकल्प से सिद्धि सिर्फ हमारी खुद के लिए थोड़ी होती है. हम किसी के लिए भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा.